हेलो फ्रेंड्स, नीलम नरूका रेसिपीज़ में आपका स्वागत है। आज हम पूजा के लिए पंचामृत बनाएंगे। मैं आपको बताऊंगी कि सही तरीके से पंचामृत कैसे बनाया जाता है। तो चलिए ये पंचामृत बनाना शुरू करते हैं। पंचामृत बनाने के लिए एक बाउल में आधा कप दूध ले लेंगे। पंचामृत के लिए कच्चा दूध का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर एक टेबल स्पून शुगर ले लेंगे, दो टेबल स्पून शहद ले लेंगे। तो मैंने दो टेबलस्पून शहद इसमें डाल दी है। यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स ले रही हूँ, जैसे काजू, बादाम, मखाने को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, चिरौंजी दाने लिए हैं, सूखा नारियल को मैंने कद्दूकस करके ले लिया है। आप अपने मनपसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। आप इसमें किशमिश डाल सकते हैं या फिर जो भी आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है आप उसमें वो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। तो इसको मिला लेंगे। सारे ड्राई फ्रूट्स के मिलाने के बाद इसमें एक कप दही का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्रेश दही लेना है हमको, बिल्कुल भी दही खट्टा नहीं होना चाहिए। तो दही को भी मिला लेंगे। दही को फैटना नहीं है, इसमें छोटे छोटे लम्स होने चाहिए। लास्ट में मैंने इसमें 6 से 7 तुलसी के पत्ते ऐसे ही हाथों से तोड़ के ले लिए हैं, इसको भी मिला लेंगे। आप चाहे तो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून गंगा जल की भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इस तरह से तुलसी के पत्तों से इसको गार्निश कर लूँगी। तो लीजिए, पंचामृत बनके तैयार है। इस जन्माष्टमी में आप इस तरह से पंचामृत ज़रूर बनाएं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।